अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास टेंथ मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब मैंने आपको करानी है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स ऑफ हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस एम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जो मैंने रिसेंटली लगाया है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देखें। उसके बगैर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में बताया था कि इफ़ रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट बोलते किसे, बी स्केयर माइनस फोर ए सी को, वो किसके बराबर आएगा, जीरो के। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रही है, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई, ये हमें फुल नहीं दी हुई, ये इक्वेशन हमारे पास, इसको हम लोगों ने ज़रा ओपन करेंगे, प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्केयर, तो इसको हम लोग ज़रा ओपन करेंगे, इक्वल टू ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर, ये हमारे पास एक स्केयर ओपन किया, प्लस टू ए मेरे पास है एम एक्स और बी मेरे पास है सी इक्वल टू, प्लस यहाँ पे सी स्केयर भी आएगा, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। अब हम लोग क्या करना है, ए एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस टू सी एम एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। अब हमने क्या करना है, एक्स स्केयर वाले टर्म्स को एक तरफ रख दीजिए, वन प्लस एम स्केयर आ गया, यहाँ से एक्स स्केयर कॉमन गया, तो और यहाँ मेरे पास रह गया टू सी एम एक्स प्लस सी स्केयर, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो ए स्केयर इक्वल टू माइनस ए स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने इस फॉर्मूले में पुट करना है, ए हमारे पास क्या है, वन प्लस एम स्केयर है, बी मेरे पास क्या है टू सी एम है, और सी मेरे पास है सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब मैंने आगे फॉर्मूले में पुट करना है, बी स्केयर मेरे पास क्या है, टू सी एम है, टू सी एम का स्केयर माइनस फोर ए मेरे पास है वन प्लस एम स्केयर, सी मेरे पास है सी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हम स्केयर ओपन करेंगे, तो मेरे पास सी स्केयर एम स्केयर आ जाएगा माइनस फोर, यहाँ पे हम लोग अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास आ जाएगा सी वन को मल्टीप्लाई किया सी स्केयर से, तो सी स्केयर आ गया, वन को ए स्केयर से करेंगे ए स्केयर आ जाएगा, एम को एम स्केयर को सी स्केयर से करेंगे तो सी स्केयर एम स्केयर आ जाएगा, माइनस ए स्केयर को एम स्केयर से करेंगे तो ए स्केयर एम स्केयर इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी, फोर एम सी स्केयर माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म से अंदर वाली, और साइन को भी देखते जाएंगे साथ साथ, साइन को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, प्लस फोर ए स्केयर और माइनस फोर सी एम स्केयर, जब अंदर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और जब अंदर माइनस होगा तो भी प्लस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, तो यहाँ मेरे पास आ गया ज़ीरो। अब स्टूडेंट, कटिंग हो रही है तो हम लोग देखेंगे, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास बच गए पीछे तीन टर्म्स बच गए हैं, जिनमें से फोर सी के साथ माइनस है, फोर सी स्केयर के साथ यहाँ पे फोर ए स्केयर प्लस फोर ए स्केयर एम स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। हमने किसके बराबर लाना है, हमने इस टर्म के बराबर लाना है। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज बताती हूँ। स्टूडेंट, जो पिछले पेज में मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी, अब मैंने क्या करना है, फोर सी स्केयर को मैंने पॉजिटिव में करना है, जो कि मैं राइट साइड पर लेके जाके कर सकती हूँ, जो लेफ्ट साइड पर इसको मैं राइट साइड पर ले आती हूँ इस टर्म को, ताकि मेरे पास पॉजिटिव हो जाए। मेरे यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, फोर ए स्केयर कॉमन आ रहा है, वन प्लस एम स्केयर अंदर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या है फोर सी स्केयर अगेन लिख देंगे। अब फोर को डिवाइड करेंगे, फोर इस तरह भी डिवाइड होगी, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा ए स्केयर एम ए प्लस एम स्केयर इक्वल टू सी स्केयर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये मैंने देखा था कि किसके बराबर लाना था, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर वन प्लस एम स्केयर के बराबर लाना था, तो आप इसको दोबारा सीधा भी कर सकते हैं, सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर वन प्लस एम स्केयर, तो ये इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जब भी आप लोगों को इक्वल बताना हो, रेशनल बताना हो या इरेशनल बताना हो, तो आप लोगों ने क्या लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ बतानी है, इक्वल बताना है, एज रूट्स आर इक्वल, जिससे हमने पीछे बताया है कि एज रूट्स आर इक्वल, उसी तरह करके हम लोग लिख लेंगे, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये आप लोगों को लिखना है। फिर हम लोगों को लिखना है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, बी स्केयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है जो कि हमारे पास ओपन नहीं है, तो हम लोग इसको पहले ओपन कर लेते हैं, एम सी स्केयर, या इसको आप पहले भी कर सकते हैं, इसको लिखने से पहले भी आप कर सकते हैं, माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू, ये मेरे पास किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, मैंने
ए स्केयर को ओपन करना है, ए स्केयर माइनस टू, ए मेरे पास है एम एक्स, बी मेरे पास है सी, प्लस बी का स्केयर यानी सी का स्केयर माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर माइनस टू सी एम एक्स प्लस सी स्केयर माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब जो मेरे पास एक्स स्केयर वाला टर्म है उनको साथ रख लेंगे, एक्स स्केयर के मेरे पास एक ही है और एक्स वाली मेरे पास दो हैं, टू सी एम है। अब जब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने माइनस कॉमन लिया है, इट मीन्स ये देख लीजिए यहाँ पे भी माइनस है, माइनस फोर ए एक्स है और मेरे पास एक्स वाले टर्म्स के साथ दोनों के साथ माइनस है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, प्लस में लिखूँगी ताकि जब मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस सी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वैल्यूज़ में पुट करनी है, ए मेरे पास है एम स्केयर, बी मेरे पास है टू सी एम प्लस फोर ए, आप लोगों ने एक्स स्केयर और एक्स नहीं लिखना, और सी मेरे पास है कॉन्स्टेंट जो कि है सी स्केयर। अब मैंने आगे फार्मूले में पुट करना है, तो आपको मैं नेक्स्ट पेज बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ नोट कर ली हैं। अब मैंने क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है, टू सी एम का स्केयर प्लस टू को मल्टीप्लाई करना है ए वाली टर्म यानी मीन्स टू सी एम से, और बी वाली टर्म्स मीन्स फोर ए से, प्लस बी का स्केयर यानी फोर ए का होल स्केयर माइनस फोर सी स्केयर एम स्केयर, हमने इसको ओपन कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे आएगा फोर सी स्केयर एम स्केयर प्लस टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन ए सी एम प्लस सिक्सटीन ए स्केयर माइनस फोर सी स्केयर एम स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, जब भी साइन इस तरह कुछ हो तो आप लोगों ने कैंसिल कर देना है। सिक्सटीन ए सी एम रह गया है और मेरे पास रह गया सिक्सटीन ए स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने सिक्सटीन ए को कॉमन लेना है, यहाँ मेरे पास बच जाएगा सी एम, यहाँ बच जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास बच जाएगा ए इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने सिक्सटीन ए को किसके बराबर रखना है, ज़ीरो के, और सी एम प्लस ए को किसके बराबर रखना है, ज़ीरो के, क्योंकि ज़ीरो के बराबर है तो हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे। ए इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एक ज़ीरो, और दूसरा मेरे पास क्या आएगा, दूसरा मेरे पास आएगा सी एम इक्वल टू माइनस ए। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने जब मैं इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट किया तो यहाँ मेरे प्लस था, पास प्लस था, तो मैंने इसको माइनस में शो कर दिया, तो यहाँ पे प्लस होना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी ये गलती देख लें, यहाँ पे पास अंदर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट पेज मेरे पास जो था, यहाँ पर मेरे पास माइनस आएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या आएगा, माइनस सिक्सटीन ए सी एम आएगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को बता रही हूँ, माइनस आ जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या बच गया, 16 को कॉमन ले तो माइनस सी एम बच गया, माइनस सी एम इक्वल टू ए, माइनस सी एम इक्वल टू ए। अब मैंने सी एम को उस तरफ शिफ्ट कर लूँगी, इसको मैं कैंसिल कर रही थी, सी एम को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर लिया यानी राइट साइड पे, मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, ए इक्वल टू सी एम। अब मैंने यहाँ पे आखिर में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आखिर में मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई है जो कि है इफ़ ए इक्वल टू सी एम, हमने कंडीशन बतानी, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बिकम इक्वल। तो स्टूडेंट्स का मतलब आपको पता चला कि हमने ए की जगह सी एम लगाएंगे तो हमारे पास ये सारा बराबर आएगा जीरो के, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल मीन्स जीरो के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जो गलती की थी मैंने आपको बता दी, यहाँ पर मेरे पास माइनस था तो माइनस को ज़रा मैंने डार्क कर लिया है ताकि आप लोगों को सही तरह नज़र आए। तो स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास मेरे से गलती हो गई थी, तो ये मेरे पास ये जो आपने ये जो वैल्यू निकाली इसको आप एक और भी तरीका कर सकते हैं कि 16 ए माइनस सी एम प्लस ए को इक्वल टू ज़ीरो रख दिए, 16 ए को डिवाइड कर दें, 16 ए को डिवाइड कर दें, 16 ए को इस तरफ से भी डिवाइड कर दें, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सी एम प्लस ए बच जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, फिर ए इक्वल टू सी एम। ये भी आप तरीका कर सकते हैं, इससे आपका डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकलेगी, इससे आपके जीरो भी निकलेगी जिसको आपने कंसिडर नहीं करना। उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्लीज़ आप लोग ज़रा साइन का ध्यान रखा करें, इस तरह आप लोग अगर सवाल भी गलत उतार लेंगे तो इस तरह आपके क्वेश्चन भी आगे पूरा गलत सॉल्व होगा, चाहे आपका आंसर जो भी आया हो तो आपका आंसर करेक्ट साबित नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है और अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। तो इसमें भी आपने क्या करना है, एज फॉर इक्वल रूट्स लिख दें, फिर एज लिख दें फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, सब में ये लाइन सेम है क्योंकि यहाँ पे इक्वल की बात की गई है।
अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्केयर माइनस फोर ए सी को किसके बराबर लिखना है, जीरो के बराबर। तो उसके बाद आप लोगों ने ए वाली टर्म्स कौन सी हैं जिसके साथ एक्स स्केयर बाहर लिखा हुआ, यानी ए सी स्केयर माइनस ए बी, और बी वाली टर्म कौन सी है माइनस टू ए स्केयर माइनस बी सी, ये वाली टर्म बी होती है, ये ए होती है और ये सी होती है। सी मेरे पास क्या है, बी स्केयर माइनस ए सी। तो स्टूडेंट्स अब मैंने फॉर्मूला यूज़ करना है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, हमने किसके बराबर लाना है, इसके ए इक्वल टू जीरो के बराबर लाना है और इस फॉर्मूले के तहत लाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास है बी स्केयर, मेरे पास क्या आएगा माइनस टू ए स्केयर माइनस बी सी का होल स्केयर माइनस फोर ए, मेरे पास है ए, मेरे पास क्या है सी स्केयर माइनस ए बी, और बी मेरे पास क्या है बी स्केयर माइनस ए सी। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिस तरह ओपन किया आपको समझ आई होगी। अब मैंने क्या करना है, फोर ए का स्केयर का स्केयर लूँगी माइनस टू ए स्केयर, और बी मेरे पास कौन सी टर्म है बी सी है, प्लस बी वाले टर्म बी सी है, इसका स्केयर लेना है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट स्केयर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। माइनस फोर को मल्टीप्लाई करना है, पहले हम लोग अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सी स्केयर को बी सी किया तो बी स्केयर सी स्केयर आ गया, माइनस ए सी क्यूब आ गया, माइनस ए बी क्यूब आ गया। तो साइन का भी ख्याल रख लिया हम लोगों ने, ए बी क्यूब आ गया प्लस ए स्केयर बी सी आ गया विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आप लोगों ने क्या करना है, फोर को बाहर पूरा होल कॉमन ले लें और अंदर टर्म्स लिख लें, माइनस टू ए स्केयर बी सी प्लस बी स्केयर सी स्केयर माइनस डी स्केयर सी स्केयर माइनस का ओपन करें तो आप लोगों ने साइन का भी ख्याल रखना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्केयर बी सी इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे माइनस वाले साइन को प्लस में चेंज कर लिया, प्लस वाले साइन को माइनस में चेंज कर लिए, सब कुछ माइनस के कॉमन की वजह से है। तो अब आप लोग क्या करें, आप लोगों ने अब इसको ऐसी ओपन करके लिख लें, ब्रैकेट सब ब्रैकेट्स को हटा लें। अब आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, तो देखते जाइएगा आप लोग साथ साथ, वीडियो को स्किप ना करिएगा, तो इस तरह आप लोगों की प्रिपरेशन सही नहीं होगी। अब अपने फोर को ज़ीरो से डिवाइड करना है, फोर को इस तरह भी डिवाइड करेंगे ज़ीरो से भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और ये दो टर्म्स हैं जिनकी जो कटिंग हो रही है उनको कटिंग कर ली है, तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो रही थी प्लस माइनस के साइन के साथ था, यहाँ पे मेरे पास बच गया ए फोर माइनस टू ये मेरे पास और ये साइन, ये तीनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों को साथ रख लेती हूँ। और अब मैंने क्या करना है, प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। अब इन सब में से आपको कुछ बल्कि रुकिए, पहले अब मैंने क्या करना है, माइनस थ्री ए स्केयर मैंने उनको दोनों को ऐड करना था जो कि मैं अब कर चुकी हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब आपको इन तीनों में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए। अब हम ए कॉमन लेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया पीछे वाले पेज पे, नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेरे पास ए सी क्यूब भी था, तो इन सब में से ए कॉमन आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे ए कॉमन ले लिया है। और अब मैंने क्या करना है, ए को अब मैंने बराबर रखना है ज़ीरो के, क्योंकि मैंने ए को किसके बराबर लाना था, ज़ीरो के, जो कि आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि फिर ए क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में बताया था ए क्यूब माइनस बल्कि पहले बी स्केयर लिख लेते हैं जिससे हम लोग करते हैं, ए बी सी लिखते हैं और फिर सी क्यूब लिख लेते हैं। और अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, थ्री ए बी सी को राइट साइड पे शिफ्ट किया था, तो हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया है। तो स्टूडेंट्स यही आपका क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने बड़े एहतियात से करना होता है और साइंस का बहुत ख्याल रखना होता है। तो स्टूडेंट अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए और प्रीवियस लेक्चर भी देखते रहा करें, इस तरह आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।